Hey you, you see this infinity pool? Come closer to me. Oh, थोड़ा और पास आइए, नजारा तो दिखाऊं आपको। करीब आने में ही तो मजा आता है देखने के लिए। ये करम्बोलम लेक एक बर्ड सैंक्चुअरी है। इधर हमारे पास एक वन बेडरूम डुप्लेक्स का अपार्टमेंट है ये बिल्डिंग में, राइट हैंड साइड पे। उसमें एक प्राइवेट टेरेस है और वो प्राइवेट टेरेस के साथ आपको ये अनरिस्ट्रिक्टेड व्यू मिलता है। अब जाके देखते हैं ये प्रॉपर्टी। ये है बिल्डिंग का एंट्रेंस और रोड जो आपको एक्सेस देता है मेन रोड से। आपकी गाड़ी इधर पार्क होती है, दो कार पार्किंग है, शेडेड है तो गर्मी से बची रहेगी। ये गेटेड कम्युनिटी में इधर आपको नंबर डालना है तभी ही आपको एंट्री मिलेगा। ये डोर लॉक्ड होता है, अंदर आइए। राइट हैंड साइड पे एक विंग है, दूसरे साइड पे दूसरा विंग है और इधर है आपका इन्फिनिटी पूल। ये पूल से आपको सामने एक गार्डन दिखता है, गार्डन के बिल्कुल सामने है अपना करम्बोलम लेक। आप बहुत प्यार से इंजॉय कर सकते हो इसको। अभी हम जाते हैं राइट हैंड साइड से या तो लेफ्ट हैंड साइड से। दोनों साइड से आपको गेट का एक्सेस मिलता है वो सामने के गार्डन का। लेट्स गो चेक दैट आउट। हमारा जो फ्लैट है वो ये विंग में है। इधर है आपका राइट हैंड साइड पे एलिवेटर जो टॉप फ्लोर तक जाता है, ये स्टेयरकेसेस। इधर से अपना एक्सेस मिलता है सामने के गार्डन का। ये छोटा सा पाथवे है, पाथवे के सामने आता है बाउंड्री, बाउंड्री के आता है गेट। ये गार्डन का एक्सेस आपको बिल्डिंग से ही मिलता है, आपकी बिल्डिंग रहेगी ये। ऊपर राइट हैंड साइड पे जो टेरेस दिख रहा है वो है आपका प्राइवेट टेरेस। और जैसे आपने इंट्रो में देखा ये एक गार्डन है, इधर जॉगिंग पाथ बनाया है, थोड़ा मेंटेनेंस की ज़रूरत है अभी इसको। और ये व्यू आपका लाइफ टाइम कभी नहीं जाएगा। सामने आपको वो जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखता है वो है करमाली स्टेशन। उधर आपका ट्रेन आता है जो इधर से हार्डली कुछ डिस्टेंस पे ही है। नाउ देयर इज़ वन थिंग आई हैव टू टेल यू गाइस अबाउट दिस प्रॉपर्टी। गोवा में नॉर्मली डेली रेंटल्स होता है, अलाउड होता है, पर इधर नहीं अलाउड है। आपको लॉन्ग टर्म पे ही कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको महीने का 35,000 रुपया रेंट आना चाहिए अगर आपका माइंड फ्रेम वैसा है। अगर खुद पर्सनल यूज़ के लिए है तो नथिंग लाइक इट। आई वुड से दिस इज़ अवे फ्रॉम ऑल द कमर्शियल जोन बट इट्स नॉट दैट फार अवे। यू आर रफली अबाउट 40 मिनट्स अवे फ्रॉम द कलंगुट बागा हसल बसल। दिस इज द फ्लोर लॉबी। एक एलिवेटर है, हम लोग टॉप फ्लोर पे हैं। स्टेयर केसेस आया आपका इधर। घर के दो एंट्रेंसेस हैं, मैं तीसरे माले से शुरू कर रहा हूँ और वास्तु के हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ। एग्जिट है इसका प्योर वेस्ट और अंदर आते वक्त आया आपको ईस्ट। आपका लेक करम्बोलम लेक राइट हैंड साइड पे आता है। नाउ अगर आपको एक दूसरा टाइप का एंट्रेंस भी चाहिए तो आप इधर भी दरवाज़ा बाहर डाल सकते हो राइट हैंड साइड पे। तो आपका एंट्री हो गया नॉर्थ और आपका एग्जिट हो गया साउथ। एक और चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। अगर परमिशन मिला आपको तो इधर से आप दरवाज़ा बना सकते हो। तो अगर आपने समझो कोई पार्टीज रखा, गेट टुगेदर्स रखा फैमिली का and you want to kind of seclude this area completely, तो इधर से ही लोग directly terrace पे जा सकते हैं party करने के लिए, enjoy करने के लिए। आप जैसे enter करते हो आपको kitchen space मिलता है ये side पे। Floor plan इसका थोड़ा different है, आपको अपने हिसाब से आके बनाना पड़ेगा। मेरा advice है ये, जो भी ये इंसान घर को खरीदेगा इसको पूरे अपने हिसाब से बना सकते हो तो बनाइए। किचन स्पेस आया आपका इधर। ये साइड पे आता है आपका स्टेयरकेसेस जो नीचे लेवल को आपको कनेक्ट करता है। राइट हैंड साइड पे है एक ओपन सा स्पेस, आप इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। इसको बेडरूम बना सकते हो या इसको आप मेन लिविंग रूम लाउंज एरिया बना सकते हो और नीचे आप अपना बेडरूम स्पेस बना सकते हो। रिमेंबर दीज आर 2 1-bedroom अपार्टमेंट्स राइट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, मेड इनटू अ डुप्लेक्स। आपको एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर ला के दोगे तो ही आपको समझ में आएगा। विट्रिफाइड टाइल्स है, हाइट काफी अच्छा है एंड द सीलिंग इज एट एन एंगल, सो यू विल बी गेटिंग अ नाइस काइंड ऑफ हाइट इन द अपार्टमेंट। हीट राइजेस अप सो द हीट विल आल्सो गो अप ओवर हियर। नीच एरिया है ये कॉर्नर में। योर विंडोज हैव योर मच्छरदानी एज वेल एज योर
sliding windows. There's a lot of sunlight that comes in this apartment. Now, going to the main highlight of this property, I would tell you, this is what I really love about this entire space. Upar shed dala hai, taki shade aa sake. Idhar aap fans dal sakte ho. Agar aapko isko bhi cover karna hai, then maybe with some plastic vinyl coverings, you can add an air conditioner and make this like a cool zone also. We have made a video before of a property in Mumbai which has a similar format. Now, on agreement, this floor is 115 square meters, 114.65 square meters. But as per my calculation, just this terrace is roughly about 800 square feet. Sirf ye terrace. Aur wo ghar hai kareeban 450-450 square feet. Iska technical details are all in the description section below. Shanti se pad lena, every little aspect of it. But unfortunately, owner was unable to get a proper survey done of the property because of certain reasons, some personal reasons. But maine jaise calculate kiya hai, 23x24 ka to aise hi aata hai, which does not include this space right over here. Iske niche ka jo space hai, all the way up to the sliding windows ka, maine wo space calculate nahi kiya. Uske alawa aapko 677 square feet aata hai. So from here all the way to there, considering that each of these tiles are 12 inches, I've done a calculation and that's how it has come. But I would still estimate it to be around 800 to 900 square feet of carpet area. The view is phenomenal. This view is something that people are always looking out for. Agar aapko ek water body chahiye, aapke ghar ke bilkul baju mein, sea nahi afford kar sakte ho, then you still have a water body right over here, which is your Karambolim Lake. It's a nice bird sanctuary right over here. Subah ko you can hear a lot of these birds. Nature lovers and people who like peace of mind, ye ghar unke liye hai. Let's continue with the tour of the rest of the apartment. Abhi kitchen mein aapko do countertops hai dono side pe. There are so many ways that you can modify this property and make it into your personal heaven. For that, you will have to get an interior designer. Like, I would convert this into a smaller little space for a kitchen, for serving, for outside. I would not want to have such a big kitchen. I would not want to have the entry straight into the kitchen. I would want an entry into the living room. I would want the bedrooms to be set differently. So always, once again, third time I'm saying this, get this property completely changed as per your taste and as per a good interior designer. Ye level pe ye ek washroom hai. Idhar shower aaya aapka, ye toilet aur ye sink. Iske back side pe there are windows all over here on the right hand side. Now this staircase that you see over here, I would still prefer to have a spiral staircase because I think this occupies a lot of the space. Plus, on the right hand side, if you see, these windows are completely blocked away because of the spiral staircase, jo kuch sense hi nahi banta hai. Plus, ye pillar beech mein aata hai. So, this pillar se bhi apna sar sambhalna padta hai. You should put those kind of things. So, there are a lot of things that I think you can change over here. This is the second level, the lower level. Idhar unhone sink diya hai, and the washroom is out on the other end. This is your bedroom with the attached washroom. ये आपका सेकेंड एंट्रेंस जो लॉबी में लेके आता है स्टेयर केसेस, एंड दिस इज द एलिवेटर. नाउ इफ यू कम इन, यू हैव द नीश एरिया राइट एट दिस कॉर्नर. ऑन दिस कॉर्नर इज वेयर योर बेडरूम इज देयर. नाउ वॉशरूम इज अटैच्ड, द विट्रिफाइड टाइल्स कंटिन्यू. द हाइट ऑफ दिस फ्लोर इज स्लाइटली लेसर देन द टॉप फ्लोर. हियर इज द वॉशरूम with the shower, the sink, as well as the toilet space. इधर एक छोटा सा niche area है windows के साथ. चाहिए तो आप study बना सकते हो या wardrobes बना सकते हो under whatever you feel like doing. My name is Ravi Keval Ramani. I'm a second generation real estate agent based out of Mumbai. We operate in Goa, Dubai and multiple locations in Lonavala, Karjat as well as Alibag. ये प्रॉपर्टी का ओरिजिनल आस्किंग प्राइस ओनर का था 1,20,00,000, जो अभी नहीं है. हम बैठे ओनर के साथ, नेगोशिएट किया उनके साथ, एंड वी केम टू अ प्राइस वेयर दे आर ऑल्सो कम्फर्टेबल एंड आई एम ऑल्सो कम्फर्टेबल टू मार्केट, विच इज एट 1 crore, नॉट नेगोशिएबल. दैट्स द प्राइस ऑफ दिस प्रॉपर्टी. इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज कॉल ऑन द नंबर विच इज ऑन द राइट हैंड साइड.
We have a team in Goa that can service your requirement, do any virtual visits to see what the property looks like with your own eyes. And then when you come down, you can coordinate with them. Continue watching more videos right here and subscribe right here.